एवरीबॉडी, कैसा आप सभी लोग? वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। एंड गाइस, जैसा कि आप सभी को पता हो कि लास्ट वाले वीडियो में हमने भाई एक शिपरैक ढूंढा था और हमने उसको भाई वहां से हमने बहुत सारे सामान कलेक्ट करे थे, मतलब वहाँ ट्रेजर ही मिली थी तो चेस्ट में से हमने काफ़ी सारे सामान इकट्ठे करे थे। एंड आज की वाली इस वीडियो में भाई हमको बनाना है फार्म। ये वाला हमने फार्म ऑलरेडी बना रखा है एंड अब हम बनाने वाले हैं एक गाय भैंस का फार्म, जिसमें अपन गाय भैंस रखेंगे और दूध वूध निकालेंगे और उस दूध को बेचेंगे। गाइस, ये रीज़न नहीं है क्योंकि हमको वहाँ पर हम उनको मारेंगे तो हमको मिलेगा लेदर, लेदर बोले तो की चमड़ी, तो हम उससे गाइस बना सकते हैं बुक्स और बुक्स से बना सकते हैं अपन बुक शेल और बुक शेल से बना सकते हैं भाई हम एन्चांटमेंट टेबल और एन्चांटमेंट टेबल से हम अपने आर्मर में कर सकते हैं एन्चांट। तो इतने सारे रीज़न है उसको बनाने के लिए, तो ज़्यादा कुछ रिसोर्स नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आसान है। एंड गाइस, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक बटन लगा दिए जिससे अपन अपने सीक्रेट बेस के अंदर जा सकते हैं। एंड सबसे पहले भाई ओके, मेरे पास कुछ तो है ये, और ये भी रख लेता अपन गेट वगैरह ले जाने के लिए। एंड और भी है क्या मेरे पास? नहीं यार गाइस, 45 में अपना काम नहीं होगा, लेकिन कितना म्याऊं म्याऊं कर रहे यार लिटरली है। तो सबसे पहले अपने को ये बनाना है, तो अपन स्टिक देख लेते, हमारे पास होगी तो सही स्टिक। ओ माय गॉड, स्टिक नहीं है क्या? स्टिक नहीं है पर वुड है, तो अपन ये वुड ले लेते हैं। एंड यहाँ से अपन ये क्राफ्टिंग टेबल से बना ली कुछ वुड, मतलब हाँ बना ली। एंड फिर इससे अपन बना लेंगे ये स्टिक, 64 स्टिक बन चुकी है। किधर गया फेंस? क्या रेसिपी क्या होती है इसको? टू एस, ओके ओके समझ गए, सबकी बना लेते गाइस। ये दो ऐसे रखे, थोड़े इधर रखे, थोड़े इधर रखे, बन गए फेंस गेट अपने को। ओके इतने हैं गाइस, अभी तो अपन इतने ले चलते, अगर और लगेंगे तो और ले आएंगे अपन। एंड अपने पास ऑलरेडी जगह तो है बनाने के लिए, तो अपन बनाते हैं। तो सबसे पहले भाई उसके दो पार्टीशन करेंगे, एक में अपन रखेंगे शिप और एक में रखेंगे काव। तो थोड़ा सा अपन बीच में गेप रखते हैं ताकि अपन चल सकते हैं इधर। अब भाई इधर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इसको अपन पूरा लास्ट तक ले चलते हैं। जितना है बड़ा फार्म है ना, उतना ही ये वाला। एंड गाइस, अगर आपको शेडर अच्छे लग रहे ना, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको शेडर वाले वीडियो ज़्यादा पसंद है या बिना शेडर वाले, तो मैं फिर जैसे आपको वीडियो अच्छे लगेंगे वैसे बनाऊँगा। तो ये अपन ने इधर लास्ट तक कर लिए हैं, एंड ऐसे ही भाई उस तरफ से लास्ट तक ले जाते हैं के यहाँ पर। एंड गाइस, अपन गेट इस तरफ देंगे क्योंकि इधर ज़्यादा स्पेस है, तो अपन इधर से जा सकते हैं। इधर गाइस थोड़ा रास्ता भी बन चुका है अपना, तो इसको गाइस यहाँ तक रखते हैं। इतना बड़ा तो काफ़ी ठीक रहेगा क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा ले जाने का कोई चांस नहीं बनता, तो अपन उसको यहाँ तक ही रखते हैं। एंड और ज़रूरत पड़ी तो अपन और उधर खींच लेंगे, अभी तो इतने में काफ़ी सारी गाय भैंस आ जाएगी यार। अपने को लेदर चाहिए मेन, तो अपने को क्योंकि फूड के लिए अपने पास अपना फार्म ऑलरेडी है वीट का, देख सकते हो उधर अपनी शुगर केन रुक चुकी है भाई साहब, कितनी सारी शुगर केन है, तो उसको अपन बाद में लेंगे, पहले तो ये लगाते लगाते चलो। ओके ख़त्म हो चुके हैं, 2300 और बचे, देखते काम। अबे इधर मत लग, ओके इसको लगाते लगाते चलते अपन। ओ भाई साहब हो गया अपना काम, तो देख सकते हो पूरा इतना इतना एरिया हो चुका है। एंड अपन गिन के अब इसमें अपन कर देते हैं पार्टीशन, क्योंकि अपने को एक में काव रखनी, एक बार देखते कितने 1 2 3 4 5 6 7 ओके, तो गाइस यहाँ पर पार्टीशन कर देते हैं, दोनों तरफ इक्वल इक्वल रहेगा। फटाफट से इसको वहाँ तक खींच देते हैं अपन, ओके तो अपन ये इस जगह पर गेट लगा देते हैं अपना, तेल लग गया। तो दोनों तरफ का पार्टीशन हो चुका है अपना, आप देख सकते हो भाई क्या ही। एंड अपन अब जगह जगह गेट लगाते हैं यार, क्योंकि एक ही जगह से अपन नहीं जाएंगे, हर तरफ गेट लगा देंगे। तो एक ही लगाए यहाँ पर, एक यहाँ पर लगा देते हैं, ओके ये यहाँ लग गया। एंड एक इस तरफ लगा देते हैं उसकी सीट में, ओके तो एक लग गया यहाँ पर, ओके तो अपना पूरा रास्ता वस्ता सब भाई कंप्लीट हो चुका है। एंड भाई क्या सोच रहे, इधर बीच में अपन इसको ये क्या बोलते हैं, इसको जो भी बोलते हैं, तो अपन ऐसा ऐसा कर देते हैं। ओके तो बीच में अपना बन गया रास्ता, एंड इसको भी वहाँ तक ले चले क्या, रहने देते हैं ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें गाइस अपने को अब गाय भैंस लेकर आते हैं फटाफट से, अपने पास वीट तो घर पर काफ़ी सारा पड़ा है, तो
अपन वहां से मीट ले लेते हैं। मेरी बिल्ली तू यहाँ क्या बैठी है, घर के अंदर जा। ओके जा रही है, देखो रहना, तू बैठ जा, कहीं मर मुरा जाएगी। मीट इसमें रखा है गाइस, ये रहा, तो अपन मीट ले चलते हैं। और अपने फार्म पे भी काफ़ी ज़्यादा मीट आ चुका है, तो अपन उसको भी फटाफट से निकालेंगे, पर अभी नहीं, अभी इतना काफ़ी अपने लिए। इतने से अपन काफ़ी ज़्यादा जानवर को ब्रीड करवा पाएंगे। ये किधर यार मेरे आसपास? ओके वो एक काम को दिख चुकी है वहाँ पर, तो उसको भाई फटाफट से अपन पकड़ के लेके आते हैं। गाइस आप देख सकते हो उधर पानी का भाई टेक्सचर क्या मस्त आ रहा है, लिटरली ये शेडर की वजह से इसके अंदर बिल्कुल रियल फील आ रही है अपने को। आजा आजा आजा, एक और गाइस इधर से ढूंढ के लाते हैं। एक गाइस उधर भेड़ भी दिख चुकी है मेरे को, इसको ले आते हैं अपन। आजा 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 आजा, अरे गाय, अरे ये अलग गाइस प्रॉब्लम देगी अपने को। आजा 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 आजा, मेरे पीछे पीछे आजा, इनको मेरे पीछे पीछे लेके चलते हैं, रात भी होने वाली है यार, आराम आराम चलेंगे अपन। और मिल जाए एक आधी गाइस तो काम ये। ओके एक और गाय मिल चुकी है, उधर एक और भेड़ मिल चुके। अरे वो किधर रह गए? अरे आओ ना ऊपर, आजा 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 आजा, पकड़ के लेके आते हैं। ओके वो वाली शिप को भी ले चलते अपन। ये गाइस पानी पे, अच्छा अपने पास रास्ता ऑलरेडी है, फिर रुक गए क्या है यार। अरे आजा इधर आ। The next day. तो ओके गाइस, गाइस काफी ज्यादा लफड़ाबाजी करने के बाद ये फाइनली ये चाह रही है, वो एक वापिस से पीछे रह गई है, तो पहले अपन इनको कैद करेंगे और बाद में उसको कैद करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ गाइस। देखो ए, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से आने का, थोड़ा बाहर जा। अब आओ, ओके आ गई आ गई। अबे फिर फंस गए यार, क्या है, एक एक करके आओ गाइस, इनके लिए अपने को एक तोड़ना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो खाओ, तुम खाओ, खा ना खा 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 खा। ओके गाइस शायद इन्हें ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया है। ओ गाइस एक 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 बच्चा भी आ गया, दो बच्चे आ गए गाइस, एक तो ये रहा एक ही रहा। गेट बंद करो यहाँ से, और खाना क्या, ये बच्चा तो पता नहीं कितने खाएगा, खिला देते इसको। ओके अभी के लिए तो गाइस अपन ने इधर इनको और ब्रीड करवा देते हैं, ताकि इनकी तादाद और बढ़ाए। तुम भी वही ब्रीड करो भाई साहब। लो एक और आ गया गाइस बच्चा, आप देख सकते हो, और उधर भी एक और बच्चा आ चुका है। तो ऐसा ही अपनी खेती चलती रहेगी, अगले वीडियो तक मैं काफ़ी ज़्यादा इधर गाय भैंस कर दूंगा। एंड तो यहीं पर कर देता भाई इस वीडियो को खत्म। तो गाइस यही था आज के वाले इस वीडियो में, अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।